English school. Today we are going to see chapter 2 in EVS. The chapter name is Ear to Ear, means कान कान में. अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, ये लेसन कान कान में है, यानी ये एनिमल्स है, उनके कान एक दूसरे को अलग अलग कान लगा दिए, यहाँ पे हम देखेंगे. सो लेट स्टार्ट. हु हैज़ गॉट माई ईयर्स, मेरे कान किसके पास है. यहाँ पे आप देख सकते हो. आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी, ये पिक्चर देख के आपको थोड़ा बहुत फनी लग रहा होगा. द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स, गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो. द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन, यहाँ पे जिसने आर्टिस्ट ने बनाए हैं वो ईयर्स हैं एनिमल्स के, वो उलट पुलट कर दिए हैं. गिव करेक्ट ईयर्स टू एनिमल्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो. तो नीचे जो मतलब एनिमल्स के नेम लिखे हैं वहाँ पे आपको करेक्ट ईयर लिखने हैं कि किसके कान किसको लगाए हुए हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एलिफंट, तो एलिफंट एलिफंट पे किसके कान है, माउस के. सेकेंड रैबिट, तो रैबिट पे किसके कान है, आप देख सकते हो रैबिट पे जिराफ के ईयर्स हैं, तो वहाँ पे आपको जिराफ लिखना है. फिर माउस पे डॉग के हैं, फिर जिराफ पे किसके हैं, एलिफेंट पे, माउस पे है जो उसके ऊपर किसके कान है, डॉग के हैं. फिर डॉग है उस पे किसके कान है, रैबिट के. फिर बफेलो, तो डियर के है बफेलो पे, और डियर पे बफेलो के लगाए हैं. वैसे ही यहाँ पे ये हो गया. ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स, अमॉन्ग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, इन विच एनिमल्स कैन यू नॉट सी द ईयर्स राइट इन द टेबल बिलो. यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स के कान अलग अलग तरह से होते हैं, अलग अलग यहाँ पे हमने देखे. वैसे ही नीचे जो एनिमल्स के नेम दिए हैं किसके कान आप मतलब बाहर देख सकते हैं, बाहरी कान किसके होते हैं, और बाहर नहीं जो दिखते हैं जिसके कान, उनके नाम यहाँ आपको लिखने हैं. जैसे कि एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, मतलब कौन से एनिमल्स के कान आप देख सकते हो उसके ना उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं. एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, और जो एनिमल्स है जिसके कान आपको नहीं दिखते उसके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं. सो फर्स्ट एनिमल हुज ईयर्स वी कैन सी, हम किस किस के कान देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर जो दिए हैं उसमें से एक तो डियर, तो आपको लिखना है डियर, फिर टाइगर, पिग, बफेलो, जिराफ, एलिफेंट और कैट, वो सबके कान आपको दिखते हैं है ना बाहर, क्योंकि बाहर ही होते हैं तो हमें दिखते हैं. फिर यहाँ पे लिखने हैं एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, और अभी जो एनिमल्स हैं उनके नेम लिखने हैं जिसके कान हमें नहीं दिखाई देते, तो उसमें आपको लिखना है फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, स्नेक, क्रो एंड लिजार्ड, वो हो गया. फिर डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स, और हमें मतलब आपको क्या लगता है कि जिस एनिमल्स के ईयर नहीं है बाहर नहीं दिखते उन लोगों के कान उनके पास कान नहीं होंगे कि होंगे. सो लेट्स ऑब्जर्व दिस पिक्चर, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पिक्चर में क्या है, आओ पता करें. नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, कैन यू सी देयर ईयर्स, यहाँ पे जो एनिमल्स है जो पिक्चर दिया है उनके नेम मतलब नाम लिख उनके नाम आपको पता है, एक तो हैन है, स्पैरो है, वो सब है, तो कैन यू सी देयर ईयर्स, उनके कान आपको दिखते हैं. दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम, उन सबके पास कान है बट हमें दिखते नहीं है, उनके पास कान है लेकिन कान की जगह पे क्या है, छोटे से छेद होते हैं.
find out some other animals which have ears that we can not see. Write their name. Okay, अभी यहाँ पे आपको जो animals के ऐसे name लिखने हैं जिसके कान हमें नहीं दिखा देते. Find out some other animals which have ears that we can not see. Write their names. तो ऐसे कौन से animals हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं name. तो एक तो स्नेक आएगा, फिर पिजन, क्रोकोडाइल, फिश, वो सब आएंगे नेम. फिर रीड एंड राइट एन एनिमल्स विद ईयर्स लाइक फैंस. फैन जैसे किसके ईयर्स आपको दिखते हैं बड़े बड़े, तो एलिफेंट के. एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स. लीव्स यानी पत्ते, जैसे झाड़ के जैसे पत्तियाँ आती है ना वैसे, तो डियर के होते हैं. एन एनिमल्स विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड. ओके, जो हेड के ऊपर ही होते हैं डायरेक्ट ऐसे ऊंचे लंबे लंबे लगते हैं, तो रैबिट के होते हैं. एंड एनिमल्स विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, दोनों साइड पे होते हैं वो टाइगर. यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर. इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट. We cannot see a bird's ears. A bird has tiny holes on both sides of its head. Generally, the holes are covered with feathers. They help the bird to hear. Okay. आप लोगों को पता होगा कि कान से हम सुन सकते हैं, है ना. इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स. कुछ एनिमल्स के कान होते हैं वो आप देख सकते हो. इन सम यू कैन नॉट. और कुछ एनिमल्स के आप मतलब नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर्स. हम लोग बर्ड्स की ईयर्स देख सकते हैं? नो. अ बर्ड हैज टाइनी होल्स. मैंने अभी आपको बताया आगे कि टाइनी होल्स यानी छोटे से छेद होते हैं दोनों साइड पे हेड के. जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स. और वो जो छेद होते हैं वो उनकी जो पंख होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, तो हमें दिखते नहीं है. दे हेल्प द बर्ड टू हियर. और वो मतलब बर्ड होते हैं उनको सुनने में हेल्प करते हैं. इफ़ यू लुक carefully you will see tiny holes on a lizard's head. They are its ears. और आप देखोगे कि जो lizard होती है उसके ध्यान से देखोगे तो उसके आपको दो छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, उसके दो छोटे छोटे कान. A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. Crocodile होता है यानी मगर, उसके भी ears होते हैं लेकिन आपको easily मतलब दिखाई नहीं देते. Whose skin? अभी यहाँ पे नाउ यू नो हाउ टू रिकग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स. लेट अस सी इफ वी कैन रिकग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. ओके, अभी यहाँ पे जो आपने कुछ जानवरों की पहचान की उनमें उसके कानों से, बराबर. यहाँ से हमें मतलब जो एनिमल्स देखे उनके कान से हमें पता चल गया. लेट अस सी इफ वी कैन रिकग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. और अभी हम कुछ एनिमल्स देखेंगे उनको हम उनकी स्किन से हमें उनको पहचानना है. मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन. मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल. ओके, पिक्चर में कुछ एनिमल्स और उनकी स्किन की पिक्चर है. आपको ये करेक्ट पैटर्न स्किन उस एनिमल्स के साथ मैच करनी है. द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन. और एनिमल्स की स्किन पर डिजाइन होती है और उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं. हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव्स बीन रिमूव्ड. Imagine how the animals would look if it did not have any hair on its skin. They would be no patterns. क्या आपने कभी ऐसे animals मतलब देखा हुआ है कि जिसके बाल हट गए हो, यानी उसके यहाँ पे हम देखते हैं कि without pattern या without hair वो कैसे लगते हैं, ऐसा आपने कभी देखा है? सोचो उनकी skin से बाल मतलब बाल हटा दिए जाए तो वो animals कैसे दिखेंगे. You might have seen some of the animals given below. अभी यहाँ पे कुछ animals के name हैं, fox, elephant, sparrow, pigeon, frog, वो सब. Put the names of the animals in the table below. अभी यहाँ पे आपको लिखना है, उसके अलग अलग table हैं. Ears can be seen, has hair on skin. Ears cannot be seen, has feathers on skin. Ears can be seen, यानी किसके ears हमें दिखाई देते हैं, तो उसके नाम पहले हम लिखेंगे. तो पहले हमें लिखना है fox, elephant,
पीग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल और काउ. ईयर्स कैन बी सीन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फॉक्स, एलिफेंट, पीग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल और काउ. ये फर्स्ट टेबल में लिखना है. हैज हेयर ऑन स्किन, और जिसकी स्किन पे हेयर है वैसे एनिमल्स, तो उसमें लिखना है फॉक्स, पीग, माउस, कैट, कैमल, काउ, बफेलो और एलिफेंट. देन ईयर्स कैन नॉट बी सीन, और यहाँ पे भी ऐसे एनिमल्स लिखने हैं कि जिसके ईयर्स हमें नहीं दिखाई देते. तो वैसे एनिमल्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं, फ्रॉग, क्रो, हैन, स्पैरो, पिकॉक, लिजार्ड, डक और पिजन. हैज फेदर्स ऑन स्किन, और किसकी मतलब फेदर्स यानी जो होते हैं ना पंख, फेदर्स वो स्किन पे, तो वैसे कौन से हैं, तो हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, पिजन और डक. इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो? फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन? ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर? आपने बफेलो और काउ को कौन से बॉक्स में डाला अभी आगे? मतलब दूर से हम देखते हैं तो उनकी स्किन पे बाल दिखते हैं, अगर हो सके तो मतलब पास जाके ऐसे देखे, क्या स्किन पर बाल दिखाई दिए आपको? इफ यू वेयर टू मीट एलिफेंट, वुड यू डेयर टू टच इट? डू यू नो दैट एलिफेंट हैज हेयर ऑन इट्स स्किन? मतलब क्या आपको एलिफेंट मिल जाए कहीं पे, हमें एलिफेंट मिल जाए तो आपको उसकी स्किन पे हाथ मतलब ऐसे हाथ क्या बोलते हैं उसको, हाथ फेरने की हिम्मत होगी? हमें डर लगेगा है ना कि एलिफेंट मारेगा तो. क्या उसकी स्किन पे, आप जानते हो कि एलिफेंट की स्किन पे बाल होते हैं, स्किन के भी मतलब उसके भी स्किन पर बाल होते हैं, लेकिन हमारी कभी हिम्मत नहीं होती कि उसके हाथ उस पे हाथ हम फेरे. कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स? फाइंड आउट and write the names of these animals in the green box. Which of the animals in the list give birth to babies? Write their names in the red box. Okay, पता लगाओ इनमें से मतलब जो ऊपर नाम animals हैं वो कौन से animals हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले animals के नाम हमें green box में लिखने हैं और बच्चे देने वाले एनिमल्स के नाम हमें रेड बॉक्स में लिखने हैं. तो यहाँ पे पहले रेड बॉक्स में है, तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, एनिमल्स जो होते हैं जो उनके यंग वंस को उनका बेबी होता है, किसके बच्चे होते हैं वहाँ उनके नाम लिखने हैं. तो एक तो फॉक्स लिखेंगे, फिर माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफेलो, पिग और काउ, उनके बेबीज होते हैं. और एनिमल एनिमल्स दैट ले एग्स, जो होते हैं एनिमल्स वो सिर्फ एग्स देते हैं, वो उनके नाम हमें ग्रीन बॉक्स में लिखने हैं. तो फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, लिजार्ड, पिजन और डक. नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज. ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स. पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल हुज नेम आर इन द रेड बॉक्स. ओके, सो वॉट डिड यू नॉट? दोज एनिमल्स आर ईयर्स, यू कैन नॉट, यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. दिस एनिमल गिव बर्थ टू द. ओके, यहाँ पे अभी जो आपने ग्रीन बॉक्स में लिखे गए एनिमल्स के नाम आपने पिछले वाले बॉक्स में आपको देखने हैं कि उनके नीचे मतलब लाइन करनी है, और उसी दूसरे बॉक्स में जो रेड बॉक्स में जो एनिमल्स के नाम पर आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है. तो क्या देखा मतलब आपको क्या ऐसे फ़र्क लगा कि जिन एनिमल्स के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल होते और उनके मतलब वो बच्चे देते हैं, और जिनके एनिमल्स के कान नहीं दिखाई देते यानी कि छोटे छेद होते वो क्या देते, अंडे देते.
young ones, those animals that do not have ears on the outside, और जिसके मतलब कान नहीं दिखाई देते, do not have ears on outside, do not have hair on their body, और उनके जो ears नहीं दिखाई देते, उनके hair नहीं होते body पे, those animals lay eggs, और वो animals क्या देते हैं, eggs. Have you seen animals around your house or school that, और आपने कभी ऐसे animals आपके school के आसपास या घर के आसपास किसी एनिमल्स को मतलब ऐसे देखा है? हैव स्मॉल बेबीज, और उसका मतलब स्मॉल बेबीज है. राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. हैव यू एवर केप्ट अ पैट, आपने कभी कोई पैट ऐसे पाला है? तो डज एनीवन यू नो कीप अ पैट, मतलब उसका भी वो मेंशन करना है. फाइंड आउट मोर अबाउट द पैट, ओके. अभी उसके बारे में आपको लिखना है, तो विच, जैसे डॉग है तो विच एनिमल इज इट, ज़्यादातर डॉग ही होता है, मतलब ये कौन सा एनिमल है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉग. डज इट हैव अ नेम, व्हाट इज इट, मतलब डॉग का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं अभी आपको मतलब हमें टाइगर लिखना है. हु गेव इट दिस नेम, और उसका नाम आप किसने रखा है, माय आंटी. अभी मेरे घर पे तो डॉग नहीं है, मेरी आंटी के घर पे है, तो मैं वो बता रही हूँ आपको. What does it like to eat, और उसको क्या खाना पसंद मतलब आता है ज़्यादा, तो मिल्क और चपाटी. How many times a day is it given food, और उसको कितने टाइम आप खाना देते हो, 4 to 5 times देते हैं या 3 to 4 times देते हैं, कितना बड़ा है उस पर डिपेंड है. When does it sleep, for how long does it sleep, मतलब वो उसका सोने का टाइम क्या है और कितनी देर के लिए वो सोता है, इन आफ्टरनून एंड नाइट, 8 hours हमारे जितना ही सोता है. इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ, नो. डज इट गेट एंग्री, वो कभी गुस्सा होता है, व्हेन, और कब गुस्सा हुआ था, हाउ डू यू नो इट इज एंग्री, और आपको कैसे पता चला कि उसको गुस्सा है. नो ही इज वेरी गुड, वो कभी मतलब ऐसे एंग्री गुस्सा नहीं होता, एनिमल्स कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं. डज इट हैव हेयर ऑन फेदर्स ऑन इट्स स्किन, और उसकी स्किन पे क्या हेयर है, इट हैज हेयर ऑन इट हिज बॉडी, उसकी मतलब हेयर होते हैं बॉडी पे, तो आपको लिखना है इट हैज हेयर ऑन हिज बॉडी. कैन यू सी इट्स ईयर्स, उसके ईयर्स है आपने देखे हैं, सो राइट हियर यस. इज इट अ बेबी और यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल, यस इट इज अ फुल ग्रोन एनिमल, ओके. वो यंग वन यानी छोटा, ऐसे डॉग का बच्चा नहीं है पप्पी, या ऐसे यंग वन नहीं है कोई भी, वो ऐसे बड़ा सा है. विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, इट गिव्स बर्थ टू बेबीज. डज इट हैव यंग वंस, नो. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस, आपको यहाँ पे उसका पिक्चर मतलब आपको जो अच्छा लगे उसका पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है एनिमल्स का, आप डॉग का ही करना, डॉग सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा, तो यहाँ पे ड्रॉ करना है और ये पिक्चर आपको यहाँ पे कलर करना है. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. मैनी मैनी ईयर्स एगो देयर वेयर डायनोसॉर्स ऑन देयर अर्थ, ऑन अर्थ, बहुत साल पहले हमारे मतलब अर्थ हमारी धरती पे डायनासोर थे, बट नॉट एनी मोर, बट अभी नहीं है. नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, और अभी हम उसको मूवी में देख सकते हैं, फोटो में या बुक में देख सकते हैं. फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और आपको मतलब कहीं पे मतलब मूवी में या ऐसे देखा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक लिटल लाइक डायनासोर, डू यू नो इट्स नेम, फाइंड आउट योर एल्डर्स, आपने कभी मतलब ऐसे एनिमल्स देखा है डायनासोर, लिटल डायनासोर, तो आपको मतलब नाम उसका बताना है. लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, टाइगर. Do you know that this is a national animal? Yes, the right here, tiger. यहाँ पे हमारा chapter finish होता है.